दीपावली की समाप्ति के बाद छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। बाढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जया की माने तो बाढ़ शहर के अंतर्गत कुल 17 घाट हैं, जिसमें निरीक्षण के दौरान 12 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। 5 घाटों पर आज से साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सरमाग लाइव के लिए बाढ़ से अनिल कुमार के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट के अनुसार 12 घाटों को खतरनाक घाटों की श्रेणी में रखा गया है। 5 घाट सामान्य घाट हैं और जिन 12 घाटों को हमने खतरनाक की श्रेणी में रखा है उनको भी किस तरह से हम लोग ठीक कर लें ताकि छठ व्रतियों को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है कि हम लोग कर लेंगे। छठ के 2-3 दिन पहले तक हम लोग इसको पूरा सुधार कर लेंगे और कर लेंगे। छठ व्रतियों की से एक बैरिकेडिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि चूँकि इस पर ज़्यादा बारिश हो गई है और गंगा में धार भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हम लोग जैसा कमिश्नर साहब का भी आदेश है कि ज़्यादा लेयर की हम लोग इस बार बैरिकेडिंग करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जाल जैसा भी कुछ चीज़ लगा दिया जाए ताकि बहने की किसी की संभावना ना हो। वॉच टावर बनवा रहे हैं हम लोग, ड्रॉप गेट बनवाएंगे, छठ व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, अस्थायी शौचालय, लाइटिंग, इन सब चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है।